मारुति सुजुकी ने रिसेंटली अपनी नई ब्रेजा को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, और इसी के चलते गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि साथ में वैल्यू फॉर मनी के जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर चाहे वो आप बात कर लो ZXi की या फिर VXi की, कुछ किसी भी वेरिएंट की बात कर लो, आप अपने बजट के हिसाब से देखोगे तो वो वेरिएंट आपको वैल्यू फॉर मनी ही लगेगा। और जिस हिसाब से कंपनी ने वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिस तरह से हर एक वेरिएंट में फीचर्स डाले हैं, उस हिसाब से वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन वन ऑफ द बेस्ट है इन एज़ कम्पेयर टू दी होल लाइनअप ऑफ दी मारुति सुजुकी वेरियंट्स। आप किसी भी गाड़ी को उठा लो मारुति सुजुकी की, उसके वेरियंट का एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़बरदस्त नहीं है जितना कि ब्रेजा का है। और इसी के चलते गाड़ी को अच्छे खासे बुकिंग जो है वो मिल रहे हैं, और गाड़ी के अच्छे खासे बुकिंग के साथ में कई लोग जो है हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने भी अपनी ब्रेजा की डिलीवरीज ले ली है। उन लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर DM करके हमें पिक्स भेजे थे, फोटोग्राफ्स भेजे थे कि भैया हमने नई ब्रेजा ले ली है फाइनली, और इसी के चलते हमने उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। अगर आपके पास, आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके पास ब्रेजा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास कौन सा वेरिएंट है, आपने ऑन रोड कितने प्राइसिंग में लिया, और आप सेटिस्फाइड है उससे या फिर नहीं है, तो आप इन तीन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के बारे में। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले ब्रेजा के CNG वेरिएंट के बारे में, क्योंकि कई लोग हमें पूछ रहे थे कि अब नई ब्रेजा तो आ चुकी है, CNG वेरिएंट कंपनी कब लॉन्च करेगी, क्योंकि मारुति सुजुकी ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग बहुत जल्द ऐसा लाइनअप लेने वाले लेके आने वाले जो कि उनकी कुछ गाड़ियों में इनबिल्ट CNG को प्रोवाइड करेंगे ये लोग, जो कि अभी भी हालांकि आ रहा है। अर्टिगा के अंदर तो वो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, वैगनार के अंदर भी अब मिलना स्टार्ट हो चुका है, सैलरियो के अंदर मिलता है, तो फिर आपको ब्रेजा के अंदर मिलना कब स्टार्ट होगा, तो ये काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले इसकी लॉन्च डेट होगी वो होने वाली है दिवाली के बाद से, मतलब कि इस वाली दिवाली जब जाएगी या फिर 2022 का अक्टूबर जब आएगा तब इसकी लॉन्च डेट होने वाली है, मतलब कि अक्टूबर 2022 जब भी एंड होगा उसके एंड होने तक आपको इस गाड़ी की लॉन्च डेट या फिर गाड़ी की लॉन्च देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे सिर्फ लॉन्च डेट के लिए, तो फिर आपके लिए हमने ये पहुँचा दिया कि लॉन्च डेट अक्टूबर 2022 के एंड तक होने वाली है। लेकिन इस वीडियो को आप देख रहे हो कि ब्रेजा की CNG के अंदर क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको, तो फिर वीडियो को आगे देखते रहो, पूरा देखते रहो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वेरिएंट्स की, तो ब्रेजा को अगर आपको CNG में लेना है तो कौन से वेरिएंट्स के साथ में वो आपको मिलेगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो LXi और ZXi प्लस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर बचे कुचे जो बीच वाले वेरिएंट्स हैं जो कि है VXi, VXi प्लस और ZXi, इन तीन वेरिएंट्स के अंदर ही आपको गाड़ी के अंदर CNG देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपको CNG लेना है तो आप सिर्फ इन तीन वेरिएंट को ही कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको LXi या फिर ZXi प्लस लेना है तो आपको CNG का ऑप्शन गाड़ी के साथ में देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात, अगर आप CNG वेरिएंट लेते हो गाड़ी का, तो फिर आपको हाइब्रिड जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी, माइल्ड हाइब्रिड तक भी आपको देखने को अंदर नहीं मिलेगा गाड़ी के साथ में। और मारुति सुजुकी के प्लान है कि गाड़ी के साथ में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी वो लोग आगे चल के इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि टोयोटा हाई राइडर और ग्रैंड विटारा में भी अभी लग रखा है, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी से, ताकि उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं फ्यूचर में, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन अब बात करते हैं ब्रेजा CNG की, तो वहाँ पे आपको CNG के अंदर तीन वेरिएंट के अलावा जो इंजन ऑप्शन मिलेगा वो आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो अभी मिलता है वही मिलेगा, लेकिन मैनुअल के साथ में आपको टॉर्क कन्वर्टर CNG के साथ में मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। आपको CNG के साथ में ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी है और कन्वीनियंट चीज़ हो जाएगी। तो अगेन, जिन लोगों को ये कंसिडरेशन थी कि हमें ऑटोमेटिक चाहिए CNG के साथ में, तो अब फाइनली वो कम्प्लीटली आपकी विश पूरी हो जाने वाली है। तो इस वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ आती रहती है। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अपकमिंग कार्स की डिटेल्स, कार्स के कंपैरिजन, गाड़ी के बारे में आपको जो भी कंपैरिजन होती है उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर वो सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी।
आप एक बार उन सबको जो भी आपको इंटरेस्टेड है उन सबको देख लेना, पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस आपके तक पहुंचाने के लिए, और नई वाली अपकमिंग कार्स की डिटेल्स के ऊपर भी वीडियोस बनाने के लिए हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो तब। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था, अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।